बैठक में माननीय श्री अशोक गुलाटी जी, श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, बजाज साहब और सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे मंदिर की तरफ से श्री विनोद गांधी जी आपके आगे विचार रखेंगे, श्री मनीष जी सूरी इस जन्माष्टमी की शोभा यात्रा के संदर्भ में आके आगे अपने विचार रखेंगे। यह बैठक आगामी कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा के लिए बुलाई गई है। यह यात्रा ईस्ट पटेल नगर सनातन धर्म सभा से प्रारंभ होगी। इस यात्रा में क्षेत्र के मंदिरों के साथ साथ हमारे झंडे वाला मंदिर भी भाग लेने जा रहा है। यह यात्रा, जैसे कि आप सब जानते हैं, 20 अगस्त दोपहर 1 बजे सनातन धर्म सभा से चलना तय हुई है। इस यात्रा में हमारे मंदिर का एक भव्य रूप रहेगा। इसमें सबसे पहले मंदिर का एक बैनर, 2 नंबर पॉइंट पे स्कूटर पे सवार सेवादार, उसके बाद एक बैंड, फिर गणेश जी की बग्गी, कृष्ण जी की 2 भव्य झांकियां जिसमें नृत्य एवं कृष्ण लीला की प्रस्तुति रहेगी। इसके बाद हमारे मंदिर की महिला सेवादार जो कीर्तन करते हुए क्षेत्र से निकलेंगे। इसके बाद सेवादार भाइयों द्वारा माँ झंडे वाली जी की हाजिरी भरते हुए एक डोला आएगा। इसके पीछे सेवादार जो सफाई व्यवस्था में है हमारे साथ, वो डोले के आगे जल का छिड़काव करते हुए चलेंगे ताकि क्षेत्र में एक साफ सुथरा प्रभाव रहे कि माता रानी का डोला पीछे आ रहा है। उसके पीछे ढोल ताशे के साथ माता रानी का डोला सेवादारों द्वारा खींचते हुए आपके इस पटेल नगर क्षेत्र में से निकलेगा। इसमें सभी महिलाओं बहनों का चुन्नी से स्वागत होगा, सभी सम्मानित क्षेत्र के व्यक्तियों का भी मंदिर द्वारा स्वागत होगा। इसके पीछे BLK हॉस्पिटल की एक एम्बुलेंस रहेगी। इसके पीछे मंदिर की जल एवं भंडारे के टेम्पो की व्यवस्था रहती है। और सबसे आखिर में मंदिर की सफाई की टोली, सारे सेवादार क्षेत्र में यात्रा के बाद जो डोने पत्ते फैल जाते हैं, जो एक नेगेटिव मैसेज जाता है हमारा समाज में, उसको हमने समाज में उसको पॉजिटिव करना है कहीं ना कहीं, तो इसके लिए हम उसको इकट्ठा करते हुए और डस्टबिन में डालते हुए जाएंगे। आप सभी से अपने अपने स्वागत सभा के बाद एक एक डस्टबिन की अपेक्षा हम करते हैं। जब से झंडे वाला मंदिर की समिति हमारे साथ जुड़ी है तो इसमें और इन्होंने 4 चार लगा दिए। बड़ी अच्छी सोच है कि ये करें, आप सफाई करते हुए चले, और इसमें आप सबका सहयोग तो चाहिए ही चाहिए। और कोई भाई अपना वो देना चाहता हो, अपना विचार या कुछ भी अपनी बात बताना चाहता हो, कोई सुझाव देना चाहता हो तो वो दे सकते हैं। कृपया गुलाटी जी, सुभाष शर्मा जी, हमारे निगम पार्षद, हमारे भाई आदेश गुप्ता जी, तेज सिंह कुंवर जी, जब भी चुनाव निकलता है, जब भी हमको शोभा यात्रा निकालते हैं, इसे पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ना करके हम लोग बाथरूम के लिए हमारे पास कोई इंतजाम नहीं होता है। जितने बैंड वाले तुम्हारे साथ चल रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं घुसरते हुए कहीं ना घरों में आके पेशाब कर रहे होते हैं, इसी बात को लेकर झगड़ा पेशा होता है। आपने कई बार नोट किया होगा, हमारी माताएं बहनें बाहर से आती हैं, कोई पानी ऊपर से फेंक रहा होता है इनके ऊपर, किसी को अच्छा नहीं लगता। हमारे जितने भी रास्ते में जितने घृणन पड़ते हैं, जहां जहां शोभा यात्रा निकल रही है, ये एक्स्ट्रा आप एक तो लगवा सकते हैं, पोर्टेबल हमारे पास है, कॉर्पोरेशन के पास 3-4 शोभा यात्रा के अंदर कहीं से मंगवा दी जाए, और रास्ते में जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर लगवा दी जाए। ये बहुत अच्छा सुझाव है, ये प्रॉब्लम बात है कि बहुत बढ़िया जरूर हर साल निकलता है। इस बार भी हम लोग सब लोग कोशिश करेंगे और उसकी पूरी तैयारियों के साथ हम लोग लगे, पूरा मार्केट एक्सपेंडल बाजार की तरफ से हम सब पूरा अच्छे से स्वागत करेंगे। धन्यवाद। झांकियों के स्वरूप यात्रा जिस प्रकार से आपकी बड़े स्वरूप में आती जा रही है, उस प्रकार निवेदन है कि झांकियों के स्वरूप भी उस प्रकार से बड़े हो जाए, तो वहाँ के अपनी यात्रा का लोगों का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है यात्राओं में, लोगों को जोड़ना, अपने संगठन को, अपने समाज को, हिंदू समाज को जोड़ना, नई पीढ़ी को जोड़ना, पुराने सहयोग से, आशीर्वाद से, ऐसा
स्वरूप बड़ा कर देंगे यात्रा का, कि छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं यंगस्टर इसमें जुड़े, ताकि और इसका भविष्य निखार जाए। यही उद्देश्य बहुत अच्छा विषय इस बार गौरव सेठी जी के साथ जब हम पूरा राउंड लिया अपने एरिया में, तो जितना हॉर्टिकल्चर का काम हो तो हमने करा दिया जहाँ जहाँ मेरे एरिया में जो रूट निकल रहा है। एक दिक्कत ये आ रही कि जल बोर्ड ने बहुत बड़ी संख्या में लाइन काटी हुई, सड़क काटी हुई है, तो उसका एकदम से हम बना नहीं सकते नई सड़क, लेकिन उसको लेवल में करके रिपेयर करके जिससे कि यात्रा सुगमता से निकल जाए। और जहाँ तक की जो जैसे शौचालय की बात कही या यूरिनल्स की बात कही, वो भी बहुत जरूरी है, उसमें भी गुलाटी मैं उसको देख लूँगा, जहाँ जहाँ आप स्थान बताएंगे तेजराम जी से बात करके जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ रखवा सकते हैं, एक बार टेंट वाले से बात करके। हमारे जो दिल्ली में जितने बड़े प्रोग्राम होते हैं तो उनमें एक हमारा टेंट है राना करके, वो करते हैं तो उनसे कह के करा सकते हैं। बहुत अच्छा है ये, बहुत जरूरी है, पूरी समस्या का समाधान करने के लिए हम इसमें तैयार रहेंगे, क्योंकि जो यात्रा एक ऐतिहासिक है, जब हम छोटे बच्चे थे जब से यात्रा को देखते आ गए, तो आज हमें सौभाग्य है कि इस यात्रा में हमें अपना सहयोग करने का भी मौका मिला, और इस काम के लिए हम दिन रात 7 दिन हमारे पास लगभग अभी है, तो इस काम में पूरा करेंगे। जो बजाज जी ने विषय दिया शौचालय का, उस पर पूरा ध्यान देंगे, जो गड्ढे हैं उनको भी ध्यान देंगे। तो पेड़ों की छटाई लगभग हो चुकी है, 3-4 पेड़ साउथ कोटे नगर में है, एक दो पटेल नगर में सी ब्लॉक में, वो हम बुधवार को करा देंगे, क्योंकि पीपल के पेड़ है, कल मंगलवार है, पीछे शनिवार था, इसलिए नहीं करा पाए उसको। बाकी इस काम में जितना भी सहयोग हुआ पूरी शक्ति लगाएंगे, और किसी भी कमी को हम अपना महसूस नहीं होने देंगे। धन्यवाद। हमारे मंदिर की तरफ से पूरी व्यवस्था होगी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए, मार्केट एसोसिएशन की तरफ से पूरी व्यवस्था होगी, और हमारे यहाँ जो सेवा आप देंगे उसको हम पूरा करेंगे। जय माता की। और बैठक के अंत में आप सभी का धन्यवाद, मंदिर में आए आप बैठक की, उसमें हमने एक दूसरे के विचार जाने, भविष्य में भी हम प्रयास ऐसे ही प्रयास करेंगे कि एक बार हर जन्माष्टमी के जरूर से पूर्व जहाँ बैठक करें।